रवि जी, यहाँ पर क्या करने आए हैं और क्या खरीदे हैं? मैं ताश के पत्ते खरीदने आया हूँ। तो इस बारी ताश का पत्ता खेलने से कुछ शुभ माना जाता है। सोने और चांदी का ताश पत्ता खेलने से शुभ होता है, इसमें लक्ष्मी का आस होता है और वास होता है। दीपावली आ चुकी है और दीपावली पर शुभ की आस के साथ हर कोई ताश खेलेगा और जुआ खेलने के इस परंपरा का निर्वहन भी किया जाएगा। लेकिन इस बार मार्केट में शुभ की आस के लिए आई हैं कुछ खास ताश, क्या है ये हम जानते हैं। भैया अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम पड़ेगा विनय कुमार वर्मा, मैं मानिकचंद सराफ में हूँ। विनय जी, इस बार किस तरह का जो नया चीज़ आई है, क्या आई है और किस तरह की चीज़ें हैं ये? इस बार दिवाली पे हमारे यहाँ एक सोने की ताश आई हुई है जो कि चांदी और सिल्वर कोटेड है, गोल्ड से और चांदी के कोटेड से बनी हुई है, जो कि धनतेरस पे खेलने का एक जुआ खेलने का एक वो होता है, जो कि कम कीमतों में ये चीज़ आई हुई है। तो ये शुभ लक्ष्मी धन की वजह से लोग खेलते हैं। क्या परंपरा माना जाता है कि ताश खेलना कुछ परंपराओं से जुड़ा हुआ है, शुभ की आस होती है? ये शुभ की आस में कि आज जुआ खेलने से एक लक्ष्मी जी का आह्वान होता है, जिसकी खुशी के लिए अपने घर में लोग अपने परिवार के साथ लक्ष्मी ताश खेल करके। क्या कीमतें हैं इन ताश की? इनकी कीमत वही 700 से 800 रुपए में ये मार्केट में है, जो कि गोल्ड से कोटेड है। निश्चित तौर पर जो परंपरा है उन्हीं परंपराओं के अनुरूप त्यौहार मनाए जाते हैं और परंपराओं का निर्वहन करता है हर कोई, और इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए खास ताश इस बार दीपावली पर मार्केट में आई है, जिसको लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।